समाजवादी पार्टी से रिश्ता बनते ही टूटने के बाद कौमी एकता दल के अध्यक्ष अफजाल अंसारी आज पहली बार मीडिया के सामने आए। सियासी तलाक से गुस्साए अफजाल अंसारी ने अखिलेश और समाजवादी पार्टी की सरकार पर गुस्सा निकाला। अफजाल ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी की हैसियत आने वाले समय में बता देंगे। वो मौके और फायदे के हिसाब से नेता किस तरह अपने विचारों की आहुति दे देते हैं, इसके नए प्रमाण हैं अफजल अंसारी। मौका परस्ती की सारी लकीरें पार करने की नई बानगी पेश की है अफजल अंसारी ने। समाजवादी पार्टी को लेकर जिस तरह से अफजल के विचार बदल रहे हैं, इतनी जल्दी तो कोई रंग भी नहीं बदलता। पूर्वांचल के बड़े डॉन मुख्तार अंसारी के बड़े भाई अफजल अंसारी का अचानक 7 दिन में समाजवादी पार्टी को लेकर मन इस तरह खट्टा हो जाएगा। कुछ दिन पहले तक मन में मीठा मीठा हो रहा था, लेकिन समाजवादी पार्टी से धुतकार मिली तो सब कुछ बदल गया। मन खट्टा होते ही जुबान तीखी हो गई। जिसे नेताजी को, जिस शिवपाल यादव को, जिस अखिलेश के नेतृत्व को पिछले हफ्ते सराह रहे थे, जिसके अंदर काम करने के लिए आतुर थे, उस पर आज सवाल उठा रहे हैं। प्रदेश में कानून व्यवस्था के नाम पर सत्ता के विरोधियों का उत्पीड़न किया जा रहा है। बेलगाम अपराधियों ने आम जनता का जीना दुभर कर दिया। यही अफजल अंसारी जब इससे पहले मीडिया के सामने आए थे तो इन्हें समाजवादी पार्टी जैसी दूसरी कोई पार्टी ही नहीं लगी थी। इन्हें लग रहा था कि बीजेपी को सिर्फ समाजवादी पार्टी ही यूपी में हरा सकती है। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी ने मुख्तार अंसारी के नाम पर इनसे किनारा कर लिया तो अब अखिलेश सरकार की खामियां ही खामियां दिख रही हैं। सियासी बाजार में किस तरह विचार बदल जाते हैं, फायदे के हिसाब से मन बदल जाता है, ये सुनिए जरा। माननीय शिवपाल यादव जी ने अथक मेहनत करके, दिन को दिन, रात को रात न समझकर अपना पूरा समय देश की जनता के हित में, भलाई के कामों में, कार्यकर्ताओं को, अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए जिस तरह से इनका योगदान है, माननीय नेताजी बुजुर्ग होकर के भी जिस तरह से सरपरस्ती कर रहे हैं, हमारे जैसा आदमी, हमारी पार्टी के लोग इन तमाम चीजों से प्रभावित हुए। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए केंद्र की विफल सरकार और प्रदेश की विफल सरकार के मुखिया, इन दोनों की मिलीभगत से अपने अपने फायदे में उत्तर प्रदेश के वातावरण को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे ही कहते हैं नेता जिसे सियासी जरूरत के हिसाब से दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। अब हम आपको बताते हैं कि अफजल अंसारी का विचार कैसे बदल गया। दरअसल कौमी एकता दल का समाजवादी पार्टी में विलय से खफा थे। समाजवादी पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में विलय को रद्द कर दिया गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के इस फैसले पर विरोधी पर सवाल उठा रहे हैं। मायावती की माने तो राज्यसभा और विधान परिषद चुनाव में कौमी एकता दल का फायदा उठाकर समाजवादी पार्टी ने विलय को रद्द किया। मुख्तार अंसारी आदि के कौमी एकता दल से विलय जरूर समाप्त कर दिया है, लेकिन इस विलय के नाटक के एवज में सपा ने खासकर राज्यसभा व विधान परिषद के चुनाव में उनका इस्तेमाल जरूर कर लिया। विरोधी अब चुटकी ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है कि जिस तरह सियासी नफा नुकसान के हिसाब से समाजवादी पार्टी ने कौमी एकता दल के विलय को रद्द किया, उसी तरह अब आगे के सियासी फायदे के लिए अफजल अखिलेश सरकार पर आक्रामक है। अब पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी को औकात दिखाने की बात कर रहे हैं। अमिता पारुल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया 24/7, लखनऊ। वहीं उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की गहमा गहमी अभी से ही दिखने लग गई है। समाजवादी पार्टी में कौमी एकता दल के विलय और फिर विलय के खात्मे को बीएसपी ने दिखावा करार दिया है। मायावती ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी को अपराधियों से दूरी बनानी है तो अपने दल में मौजूद अपराधियों पर ही कार्रवाई करें। मायावती ने सरकार पर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़े करे और कहा कि सरकार कानून तोड़ने वालों को संरक्षण देती है, पुलिस वाले तक तो सूबे में सुरक्षित नहीं है। इस समय सपा सरकार में आम जनता के साथ साथ पुलिस व अन्य सरकारी कर्मचारी भी जितने ज्यादा असुरक्षित हैं, उतने असुरक्षित वे कभी भी नहीं रहे। यही कारण है कि अब यहाँ उनके जान को हमेशा ही खतरा बना रहता है। ऐसी स्थिति में जब उत्तर प्रदेश में जनता के रक्षक अर्थात यहाँ पुलिस कर्मी तक भी सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, तो तब ऐसे भयंकर व विकट हालातों में फिर यहाँ प्रदेश की आम जनता कैसे सुरक्षित रह सकती है।
सपा के तमाम गुंडों, बदमाशों, माफियाओं व अन्य आपराधिक तत्वों आदि पर काफी सख्ती से कानूनी शिकंजा कसते हुए उन्हें फिर जल्दी ही जेल की सलाखों के पीछे भेज देना चाहिए, जहां उनकी सही व असली जगह भी है। लेकिन इसके साथ ही यह हमारी पार्टी का यह भी कहना है कि इन सब मामलों में सपा की सरकार ऐसा कतई भी नहीं कर सकती। इधर बीजेपी यूपी के अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने अफजाल अंसारी और एसपी में मिलीभगत का आरोप लगाया। बीजेपी ने कहा कि कौमी एकता दल और एसपी ड्रामा कर रहे हैं। उन्होंने मायावती पर सवाल उठाया और कहा कि बीएसपी में भगदड़ मची है, जनता के लिए वो कुछ नहीं कर सकती। देखिए, यह सैफई परिवार की एक सोची समझी चाल थी, एक बहुत बढ़िया कोई डायरेक्टर के द्वारा निर्देशित ड्रामा था और उस ड्रामे में अखिलेश जी की इमेज बिल्डिंग करने का प्रयास था। जनता जान चुकी, उनका साढ़े चार साल का उनका शासन देख चुकी है। एक भी दिन ऐसा नहीं बीता है जब कानून का राज उत्तर प्रदेश के अंदर रहा हो, जब अपराधी पुलिस से डरे हों, बल्कि इनके शासनकाल में पुलिस लगातार अपराधियों से, गुंडों से, माफियाओं से डरती रही है। इसलिए अखिलेश यादव जी के अगुवाई वाली सरकार या उनकी इमेज बिल्डिंग कोई भी कोशिश कर ले, मैं यह मानता हूं कि जनता को अब धोखा देने में वो कामयाब नहीं होंगे। सैफई परिवार को सैफई जाना पड़ेगा। देखिए, बीएसपी प्रमुख बहन मायावती जी बहुत घबराई हुई, उनके दल के अंदर भगदड़ मची हुई है। कार्यकर्ता जो उनका अब तक चुनाव जिताता रहा है, उसका विश्वास बहन जी के प्रति समाप्त हो गया है। वो जनता के लिए लड़ नहीं सकती, उनका दल नहीं लड़ सकता। अपने नेताओं को उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिया है, कोई धरना प्रदर्शन नहीं करेगा अन्यथा मुकदमा लिख जाएगा। भारतीय जनता पार्टी खुलेआम चुनौती देकर के लड़ाई लड़ती है। और अब बात स्वामी प्रसाद मौर्य की, जिनको लेकर हर दिन कोई ना कोई खबर जरूर आ रही है, कभी किसी पार्टी में जाने की तो कभी किसी नेता से जुबानी जंग को लेकर। अब बीजेपी के बड़े नेता और मोदी सरकार में मंत्री रामशंकर कठेरिया ने दावा किया है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जल्द ही बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य के मन में क्या है ये किसी को नहीं पता। लंबी कश्मकश के बाद बीएसपी के अलग हुए स्वामी प्रसाद मौर्य को नया ठिकाना जल्द मिल सकता है, क्योंकि उनके बीजेपी में शामिल होने की खबर को हवा दी है केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया ने। कठेरिया ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी में शामिल होंगे। हालांकि पार्टी की ओर से अभी तक कोई औपचारिक फैसला नहीं आया है, लेकिन कठेरिया के बयान में मौर्य को लेकर बीजेपी की मंशा जाहिर करती है। सपा में भगदड़ मची है और बीएसपी में इस तरह के लोग छोड़ आ रहे हैं, क्योंकि वहां तो जो जाएगा उसे 1 करोड़ से 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे टिकट के लिए, तो वहां सब लोग परेशान हैं। बीएसपी टूट जाएगी और सपा आंतरिक कलह से अपने आप खत्म हो जाएगी। एसपी में मौर्य के शामिल होने की खबर का खंडन पहले ही हो चुका है। ऐसे में अब मौर्य के पास अलग पार्टी बनाने और बीजेपी में शामिल होने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। वहीं मौर्य को अलग पार्टी बनाने का फिलहाल कोई फायदा होता नहीं दिख रहा, तो आखिरी उम्मीद बीजेपी से ही बची है। बीजेपी सभी जातियों का समर्थन हासिल करने की कोशिश में हर जाति के एक एक प्रमुख चेहरे को सामने लाने की तैयारी कर रही है। मौर्य अपने बलबूते पर जो भी समर्थन जुटाते हैं उससे बीजेपी को ही फायदा पहुंचेगा। हालांकि केशव प्रसाद मौर्य पहले से ही ओबीसी वोटर्स को पार्टी के साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं, वहीं बीएसपी भी इस बार अपने पारंपरिक मतदाताओं से कन्नी काटती दिख रही है। पार्टी तकरीबन 50% सीटों पर ब्राह्मण और मुस्लिम उम्मीदवारों पर दाव खेल रही है। ऐसे में मौर्य दलित वोटों का रुख बीजेपी की ओर मोड़ने में कामयाब होते हैं तो पार्टी में उनका कद बढ़ सकता है।